बार आप देख रहे हैं भक्ति की खबरें, और भक्ति की खबरों में ऐसे महत्वपूर्ण खबर को लेके आए हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये दिव्यांग है और दिव्यांग होने के बावजूद भी ये अपनी रोजी रोटी के लिए एक छोटी सी रखे हैं भाई सिलाई मशीन, जिससे ये कपड़ों को बनाते हुए और अपना गुजारा बसर भी करते हैं। हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट की योजनाएँ चल रही हैं, तमाम योजनाएँ चल रही हैं, उस योजनाओं में इन्हें किसका लाभ मिला और किसका लाभ नहीं मिला है। हमारे पास जो इन्होंने बताया, जो जानकारी इन्होंने दी कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ इन्हें नहीं मिला, अगर उस योजनाओं का लाभ इन्हें मिल जाता तो इनको आने जाने में और इनके रोजी रोटी में काफ़ी मददगार बनता। तो क्या नाम है आपका? नारायण जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा ब्लॉक पड़ेगा? खुदरा। तो आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है? रोजी रोटी का चला था, वह जो चल जाए घर पर खर्चा वर्चा चलाए भी बना आप क्या करते हैं? हम हाथ द्वारा सिलाई ऐसे कर लेते हैं धीरे धीरे आराम धीरे धीरे। ये पैरों से विकलांग आप कब हुए? बचपन से। तो बचपन से ही है। तो ये जो आपने लिया था अप्लाई रूटीन, किसी दिया था कि आपने सही कहना था? हमारे बाबा का है। बाबा का है। बाबा जी ने इन्हें उपहार दिया था, उपहार में एक मशीन दिया था, उसी मशीन से ये जो है रोजी रोटी अपना चला रहे। कहाँ आपने पूछा था? हमारे मामा जी ने इनको गुण दिया, गुण मतलब इनको बताया, इनको कटाई और कपड़े को बनाने के बारे में जानकारी। चल रहो, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी तमाम योजनाएँ चल रही हैं, किस किस योजना का लाभ आपको मिला? आपका जो बनता शौचालय बना? शौचालय एक किस्त पायर हमें किस्त पैबे नहीं कि पैसा रहा नहीं राशन कार्ड आपको मिलता है कि नहीं मिलता? राशन कार्ड नाम है भाई के नाम से है। आपके नाम से नहीं है? हमारा नाम उसी है। आपका नाम है, मिलता रहा। अच्छा, विवाह आपका हुआ है कि नहीं? तो विवाह नहीं हुआ तो आपको नहीं तो विवाह कहाँ से है जी? तो आपको जो रिक्शा मिलता है, ट्राई साइकिल मिलता है, मिला कि नहीं? नहीं, ट्राई साइकिल नहीं मिला। आई डी कार्ड मांग रहे थे, हमारे पास था नहीं जी। हम का बोलते हैं ऑनलाइन दो बार कराए, तभी बोले कि बस्ती जाओ, हम तो बस्ती जा नहीं पाए, हमारे पास शादी था नहीं मिला। तो आपने देखा है कि ये दोनों पैरों से, ये दोनों पैर से दिव्यांग है? हाँ, दोनों पैरों से। तो आगे बढ़ते हैं कैसे? ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं, ऐसे 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 धीरे धीरे। तो आपने देखा है कि ऐसी ऐसी है तस्वीरें यहाँ पर योजनाओं का लाभ गवर्नमेंट का इनको नहीं मिल पाया है। अगर इन योजनाओं का लाभ मिल जाता तो इनको भी पंख लेके आते, इनके पास भी आने जाने के लिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होता है होता, लेकिन इनको जो है ई रिक्शा नहीं मिल पाया है। साइकिल मतलब जो टाई साइकिल मिलती है दिव्यांगों को, ये नहीं मिल पाया है। विभिन्न ब्लाकों में ऐसी योजनाएँ आती हैं, ऐसा वितरण भी होता है, लेकिन इनका योजनाओं के नाम जो पता आ गया, ये बड़ी बात है। ये बताओ कि आपको ले जाने वाला कोई है? जब इनको कहीं जाना पड़ता है तो किसी से गांव के लोगों की मदद मांगते हैं, इसके बाद जा सकते हैं। तो जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं ऐसे लोगों को मददगार के लिए आगे आना चाहिए, जहाँ जब भी कैंप लगे तो ऐसे लोगों को जो सरकार द्वारा दिए जाने वाला है संसाधन, उसे अवश्य रूप से मिलना चाहिए, जिससे इन लोगों को भी हौसले बुलंद हो सके और कहीं भी आ जा सके, इन्हें भी ना। तो आज हम ये खबरें दिखा रहे थे और जो भी अधिकारी हैं इनको ऐसे लोगों पर जो है विचार करना चाहिए और इन लोगों को लाभ जो है तत्काल देना चाहिए।